नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की ये वीडियो फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है जिनका एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू है। फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है जिनका एग्ज़ाम 10 जनवरी से है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे। आप भले ही इस वीडियो को देख करके इग्नोर कर दीजिएगा, पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम आपको कुछ परेशानी आ सकती है। उसी को मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो में आपको डाउनलोड करके एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च टैब में टाइप करना है ज्ञान ज्योति। ठीक है, ज्ञान ज्योति टाइप करने के बाद सिंपली आप इंटर कर दीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। आगे आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको बड़ा थोड़ा डेस्कटॉप मोड में कर लिया जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा ज्ञान ज्योति 2.0 या फिर यहाँ पे आपको दिख सकता है ज्ञानज्योति.nic.in। तो इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज उठ करके आएगा। ठीक है, ये सब आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे कॉर्नर में चले जाना, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था वहीं पे क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं भाई। क्लिक करने के बाद सिंपली हम लोग जानते हैं कि सिंपली जो जो डिटेल्स मांगता है उसको हम लोग को भरना है। तो आइए भर के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वो डाउनलोड होने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा, सेमेस्टर भरिएगा, कोर्स भरिएगा। ठीक है, मैं आपको एक स्टूडेंट का भर करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कॉपी करके रखा था, उसको पेस्ट कर दिया। फिर सेमेस्टर भरते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भैया हम स्टूडेंट। फिर कोर्स डालते हैं, डिप्लोमा के हैं। तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट इज़ ओवर दिखाएगा। अगर आप सीरियली भरेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर सेमेस्टर, फिर कोर्स भरेंगे तब। और यहाँ पर जो हर्रा वाला गेट एडमिट कार्ड दिखेगा ना आपको, हर्रा वाला देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे हाइड रहेगा। देखिए क्लिक नहीं होगा यहाँ पे। पर इसको सुधारना कैसे, आप वैसे का वैसे रखिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा इस जो एरो वाला बटन है उससे, होम बटन के बगल में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, फिर सिंपली आपको क्या करना है, कोर्स सबसे पहले भर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कोर्स भरना है। कोर्स भरने में आपको डिप्लोमा आप डाल देंगे, फिर सेमेस्टर भरेंगे, सेमेस्टर फिफ्थ भरेंगे। ठीक है, तब आप देखिएगा यहाँ पे कि एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड आपको दिखने लगेगा और हर हर आपको हो जाएगा। ठीक है, आइए भैया हम इस तरीका को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है डाउनलोड करने के लिए, दूसरा कोर्स डालना है, फिर तीसरा सेमेस्टर भरना है, तब आपका जा कर के ये हरा बटन आपको दिखेगा और डाउनलोड हो जाएगा। फिर गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा और जिस बच्चे का मैंने डाला था उसका यहाँ पे शो हो गया। और यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड होने में कम चांस है, क्योंकि मैंने करके देखा। पर यहाँ पर आपको सामने देखिए, हम करके दिखा देते हैं। क्लिक टू गेट प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं भैया। देखिए प्रिंट हो तो जाएगा, आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप कितना भी करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका रिट्राई भी कीजिएगा तो आपका नहीं सुधरेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैक चले जाएंगे आप। ठीक है, बैक जाने के बाद या तो किसी साइबर कैफे से या किसी भी लैपटॉप से, लैपटॉप में कंप्यूटर में आप सिंपली इसका क्या करिएगा, डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लीजिएगा हरा हरा लाइन तक, यहाँ तक, सभी चारों तरफ से, इस जगह तक, इस जगह तक, ऊपर नीचे सभी तरफ से। उसके बाद ताकि आपका नाम वगैरह और इंस्ट्रक्शंस जो दिया है वो सब दिखे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली क्रॉप करके उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट करवा लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, एस स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रिंट करवा लीजिएगा, तब आपका ये प्रिंट होगा। अब मैं बैक चले जाता हूँ, आपको प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरह से डाउनलोड करना है। ठीक है, सिंपली आपको सबसे पहले फिर से दिखा देता हूँ। क्लिक टू गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आपको सीरियली नहीं डालना है, आपको सीरियली नहीं डालना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, फिर कोर्स डालिएगा। ठीक है, फिर सेमेस्टर डालिएगा, यानी पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा कोर्स, तीसरा सेमेस्टर डालिएगा ऑप्शन में।
पीछे का बैकग्राउंड साउंड आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोर करिएगा। ये आप डालेंगे तभी आपका यहाँ पे हरा बटन दिखाई देगा, तभी यहाँ पे हरा बटन। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, दूसरा कोर्स डालना है, तीसरा आपको सेमेस्टर भरना है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तब जाकर के आपका एडमिट कार्ड और यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड जो ऑप्शन है वो हरा दिखेगा। अगर आप सीरियली भरने जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर सेमेस्टर डालेंगे, फिर कोर्स डालेंगे, तब आपको यहाँ पे ये जो हरा बटन है वो गायब हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप सभी स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का बाई चांस अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम वेट कर लेंगे आपका और कोशिश करते रहेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों तक ये वाला ट्रिक और इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, जय हिंद, जय भारत।